दोस्तों, एनआर स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम खनिज तत्व के बारे में बात करते थे, तो राजस्थान में खनिज के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम बात करने वाले हैं 100% एकाधिकार वाले खनिज। आपको इमेज में दिख रहा होगा, तो बिल्कुल तगड़ा टॉपिक है और पूरा 100% आपको याद करवा के ही हम दम लेंगे, है ना। तो बिल्कुल हम याद करवा के ही मानेंगे, चलेगा। राजस्थान का नक्शा आपको दिख रहा है, तो हम बात करने वाले हैं एकाधिकार वाले खनिज। तो पहला बात आती है एकाधिकार वाले खनिज के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, जो यानी जो से क्या आ जाएगा, जोधपुर। तो जोधपुर एकाधिकार वाले के लिए किस खनिज के लिए यह है, तो जोधपुर ध्यान रखना, जोधपुर अपने जासपर, तो जासपर खनिज का एकाधिकार रखता है जोधपुर। तो जोधपुर से जासपर, ये याद हो जाएगा। अब देखिएगा, इसी के पास में आता है अजमेर। तो अजमेर अपना एकाधिकार किस पर रखता है, तो तांबड़ा, गार्नेट, रक्तमणि। देखो, ये इनके उपनाम हैं तांबड़ा के, ठीक है। इनको रक्तमणि, काफ़ी बार रक्तमणि पूछ लेते हैं, तो रक्तमणि पर सबसे ज़्यादा एकाधिकार रखने वाला एकमात्र जो जिला है वो अजमेर है। कौन सा है भाई साहब? अजमेर है। तो ये आप ध्यान रखें, तो जोधपुर, अजमेर जो है वो आपके तांबड़ा, गार्नेट और रक्तमणि पर एकाधिकार रखता है। याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब चलते हैं, बेल का मंगरा, या हम कह सकते हैं वोलेस्ट्रोनाइट। तो बेल का मंगरा या वोलेस्ट्रोनाइट, इस पर एकाधिकार कौन कौन रखता है, ध्यान रखना, सुरई, सिरोई और जोधपुर दोनों रखते हैं। सिरोई और जोधपुर दोनों रखते हैं वोलेस्ट्रोनाइट और बेल का मंगरा, चलेगा। अब बात करते हैं राजसमंद की, ठीक है। चित्तौड़गढ़ की भी बात करेंगे, तो हम बात करते हैं राजसमंद की। तो राजसमंद की बात कर लेते हैं, कहाँ गया भाई राजसमंद? ये रहा आपका राजसमंद, ठीक है। राजसमंद की बात कर लेते हैं, तो राजसमंद की बात करते हैं, तो राजसमंद जो एकाधिकार रखता है हरि अग्नि, ठीक है। हरि अग्नि जिसे हम पन्ना भी कहते हैं, ठीक है। और हीरा का उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर, ठीक है। हीरा सोना है जो बांसवाड़ा है, ठीक है। तो देखो, राजसमंद जो एकाधिकार किस पर रखता है, हरि अग्नि, ना, हरि अग्नि कहाँ पर है ये राजसमंद के अंदर, काला गुमान खान, ठीक है, आमेट देवगढ़। राजसमंद, काला गुमान खान, कौन से खान है, किस खान से हरि अग्नि या पन्ना निकाला जाता है, तो काला गुमान कहाँ पर है, आमेट के अंदर, देवगढ़ के अंदर, ठीक है। आमेट देवगढ़ के अंदर कहाँ पर है, आमेट देवगढ़ के अंदर। चलो भाई, ठीक है, राजसमंद और सिरोही, है ना, बात कर, राजसमंद और सिरोही दोनों जगह हरे अग्नि या हम पन्ना ये अपना क्या रखता है, एकाधिकार रखता है। एक आता है भाई आपका लाल गेरू, ठीक है। तो लाल गेरू की बात की जाए, तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का भी है और टोंक, दोनों एकाधिकार रखते हैं। टोंक और चित्तौड़गढ़ दोनों अपना एकाधिकार रखते हैं, परंतु बात की जाए यहाँ पर, ये देखो, अगर लाल गेरू की बात की जाए तो ये चित्तौड़गढ़ रखता है एकाधिकार, और जिसके अंदर इसको क्या कहते हैं भाई, एक तो ओकर भी कहते हैं और हरमच भी कहते हैं, ठीक है। अजमेर के अंदर तो बात की जाए रक्तमणि की, तो सरवाण है, और टोंक के अंदर राजमहल और जनकपुर, ठीक है। टोंक के अंदर राजमहल और जनकपुर है, तो टोंक इस पर यहाँ पर नॉर्मल इसका भी अधिकार रखता है, लाल गेरू का भी, और साथ ही साथ तांबड़ा और रक्तमणि का भी अधिकार रखता है, ठीक है। तो टोंक के अंदर जो रक्तमणि है वो कहाँ पाया जाता है, राजमहल, जनकपुर, और चित्तौड़गढ़ के अंदर लाल गेरू, ओकर और हरमच, और सिरोही और राजसमंद यहाँ पर काला गुमान खान, आमेट देवगढ़, और वोलेस्ट्रोनाइट, बेल का मंगरा, ये आपके कहाँ हैं, वोलेस्ट्रोनाइट, बेल का मंगरा, ये आपके देखो सिरोही के अंदर है, सॉरी ना, सिरोही के अंदर है, ठीक है। और ये आपके राजसमंद के अंदर है, तो ये सिरोही का है ना, सिरोही नहीं है, यहाँ पर केवल राजसमंद ही आएगा, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। वापस एक बार, जोधपुर में जासपर और सिरोही के अंदर वोलेस्ट्रोनाइट और बेल का मंगरा, अजमेर में तांबड़ा, गार्नेट, रक्तमणि, ठीक है, अजमेर का क्षेत्र सरवाड़, और अगर बात की जाए रक्तमणि की, तो राजमहल, जनकपुरा, और लाल गेहू, चित्तौड़गढ़, जो कि लाल गेहू, ओकर या हरमच कहते हैं, और हरि अग्नि की बात की जाए पन्ना, तो वो काला गुमान, आमेट, देवगढ़, रासम। चलिए अब आगे बात करते हैं, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार एकाधिकार वाले खनिज, सीसा जस्ता, वोलेस्ट्रोनाइट, सेलेनाइट, ठीक है। सेलेनाइट का उत्पादन होता है बीकानेर के अंदर, ठीक है।
अब बात करते हैं बीबी वाले खनिज। तो बीबी वाले खनिज कौन कौन से हैं? बेंटोनाइट बाड़मेर के अंदर, बॉक्साइट कोटा के अंदर और बेरिलियम। ठीक है, बेंटोनाइट बाड़मेर, बॉक्साइट कोटा, बेरिलियम। बेरिलियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जयपुर के अंदर, गुजरवाड़ा के अंदर, अजमेर के अंदर, भादर सीदरी के अंदर और उदयपुर के अंदर शिकारवाड़ा। बेरिलियम का उत्पादन जयपुर, गुजरवाड़ा, अजमेर, भादर सीदरी, उदयपुर, शिकारवाड़ा। ठीक है, आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे परमाणु खनिज या आणविक खनिज। तो आज हमने क्या 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 पढ़ा भाई? 100% एकाधिकार वाले जो भी जिले थे उनके बारे में बात की। ठीक है, जिसके अंदर जोधपुर में जास्पर और सिरोही में वोलेस्टोनाइट और वेलका मंगरा, राजसमंद में आपके हरि अग्नि, पन्ना, काला गुमान, आमेठ, देवगढ़ और चित्तौड़गढ़, लाल गेहूँ, ओकरिया, हरमच और अजमेर, तांबड़ा, गांडेट, रक्तमणि। ठीक है, अजमेर का चतरा, सरवाड़ और टोंक का है राजमहल जनकपुर। ठीक है, सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट जो कि नागौर में पाया जाता है, बीबी वाले बेंटोनाइट बाड़मेर, बॉक्साइट कोटा, बेरिलियम, जयपुर में गुजरवाड़ा, अजमेर में भादर सीदरी, उदयपुर में शिकारवाड़ा। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे परमाणु खनिज या आणविक खनिज। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।